परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया बस स्टैंड का दौरा, कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे साथ, कर्मचारी की सुनी समस्या। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अजमेर दौरे पर थे। मंत्री खाचरियावास ने कई कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बस स्टैंड का दौरा किया और कर्मचारियों की समस्या सुनी। कर्मचारियों ने जो भी अपनी समस्या थी वो मंत्री खाचरियावास को बताई, जिस पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि जल्द ही कर्मचारियों की मांगों पर उनकी समस्या का हल किया जाएगा और रोडवेज को एक बार फिर खड़ा किया जाएगा। देखिए, ये रोडवेज का जो परिवार है, हम सब मिलकर रोडवेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रोडवेज के कर्मचारी हो चाहे रोडवेज का मंत्री हो, हम सब की जिम्मेदारी बराबर है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 1100 बसें इनके डिपो में पड़ी है और बजट आ जाए तो ठीक हो सकती है। जब मैं यहाँ पहुँचा, मैं इनकी बात सुनूंगा तभी समझ पाऊँगा। एक दूसरे को समझे बिगैर रोडवेज नहीं चल सकती। अब रोडवेज चल रही है, लेकिन रोडवेज को अब नई ताकत चाहिए, नया पैसा चाहिए सरकार की तरफ से, नई बसें चाहिए। रोडवेज के कर्मचारियों की मांगें भी पूरी करनी है, नई बसें भी चलानी है, सब एक चुनौती है। मेरे पास एक बड़ा प्लान है और उस प्लान की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं उसको इसलिए एक्सपोज नहीं कर रहा कि मैं बैठ ही नहीं पा रहा सेक्रेटरी में। जल्दी टाइप हो जाए ऐसा भी प्लान है जिसमें एक रुपया भी नहीं लगना है और फिर भी रोडवेज के लिए बसें भी आ जाएगी, काम भी हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगा। कर्मचारियों के अनुसार जो ये चाहते हैं उनके मन के अनुसार ही होगा। जैसे कर्मचारियों की मांगें भी पूरी हो, रोडवेज भी चले, जनता को भी फायदा हो, कर्मचारियों को भी फायदा हो, ये सब हो सकता है। लेकिन हमें मन बड़ा रखना पड़ेगा। मन मतलब हमारा मन ये नहीं होना चाहिए कि रोडवेज में कोई अधिकारी आया, नेता आया, रोडवेज को खाया और भाग गया। तो भाई साहब, यूँ जो संस्थाएं घाटे में चल रही है वहाँ भी यदि अधिकारी कर्मचारी या नेता बेईमानी करेंगे तो संस्थाएं चलेगी कैसे? अभी तो इस वक्त रोडवेज को कुछ देने की ज़रूरत है। रोडवेज ने तो बहुत कुछ दिया वर्षों तक, 5 साल में करीब 3,200 करोड़ का घाटा रोडवेज को बीजेपी सरकार लगा के गई और प्लान्ड वे में लगा के गई। मुझे तो दुख होता है जब मैं रोडवेज डिपोज पर जाता हूँ, कर्मचारी मिलता हूँ, वो कहते हैं साहब आज तक हमारे पास कोई नेता आया ही नहीं, पहली बार ही आप आते हो, सुनते हो, समझते हो। मैंने इनसे कहा आप भी अपना प्लान बताओ, क्योंकि रोडवेज का काम ये भी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। इनसे जो मैंने बातें सुनी, मुझे लगा मेरे से ज़्यादा समझदार रोडवेज का कर्मचारी है, उसका प्लान भी अच्छा है, उसको सब पता भी है मेरे से ज़्यादा। तो वो मैं जब इनके बीच में जाता हूँ तो बहुत कुछ सीखता हूँ। ये सीख रोडवेज को आगे बढ़ाने में, कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में मेरी मदद करेगी। आप देख लेना, वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं। करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग होगी। शाहजहाँपुर में मैंने खुद ने 30 पुलिस वाले लगाए हैं, शाहजहाँपुर मेन चौकी है जो दिल्ली से जोड़ती है, और वहाँ पर पूरी चेकिंग चालू है। मेरे को सूचना मिली कि वहाँ कुछ गैंग्स डेवलप होगी जो आगे पीछे 10-15 गाड़ियाँ लगाती है जीपें और ट्रकों को पार करवाती है। ये रेवेन्यू जनता का है और परिवहन विभाग के कुछ लोग भी उनसे मिले हुए। तो ये सारा चेंजेज मैंने अधिकारियों को स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई पुराना सिस्टम अब नहीं चलेगा और आपको रिजल्ट नज़र आएंगे, बहुत जल्दी है। लेकिन मैं आप ये मानकर चलिए मन से काम करना चाहता हूँ और उस काम में घमंड कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होगा। ओवरलोडिंग को भी लेके कोई कुछ ओवरलोडिंग पता है मुझे, सुनो आप सब पतो है, पर एक दिन का मायने कहीं करूँ, आप चिंता मत करो, देखो हाल खेल तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, आएंगे जल्दी। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको आज तक पेंशन अभी तक, देखिए काफी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, काफी की रुकी पड़ी है, और वो इसलिए कि पैसे नहीं है। लेकिन ये पेंशन देना ये हमारी जिम्मेदारी है, देंगे। तनख्वाह देना ये हमारी जिम्मेदारी, हम देंगे। कर्मचारियों की मांगे पूरी करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी हम करेंगे। ऐसा तो ना बैकआउट कर जाएंगे। कांग्रेस जो चुनाव से पहले मैं और सचिन पायलट रोडवेज कार्यालय वहाँ गए थे, तो हम इसलिए नहीं गए थे कि सरकार में आएंगे तो भाग जाएंगे। सरकार में इनके बीच में बैठकर काम करेंगे, जो परेशानी होगी उनको बताएंगे, इनसे भी समझेंगे हम सब, लेकिन दूर भी करेंगे परेशानी को। ऐसा नहीं कि भाग के चले जाएं, लड़ लें कर्मचारियों से, झगड़ा कर लें। अब ये रोडवेज मेरा मन कह रहा, आप देखना वक्त बताएगा, ये बहुत जल्दी है, अभी 40 दिन हुए हैं सरकार को, लेकिन रोडवेज को खड़ा भी करेंगे और कर्मचारियों के हितों की पूर्ति भी करेंगे।